नहीं, वो पीक आके नहीं चला गया, बस यही था कि हम जो कदम उठाए थे उससे वो थोड़ा दबके बैठा हुआ था जी। फिर एकदम लोगों में थोड़ा सा लापरवाही आई और जो हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र में जो सेवाएं पहुंचाते हैं उनमें भी उनको भी लगा कि एक पूरा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वगैरह जो है जी, टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, मतलब कोई बीमार आदमी के जो कोई भी मिलने आए थे या जो जिनसे ये मिले थे उनके बारे में भी जांच पड़ताल करना, ये उसको जिसको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं, जिस ध्यान से उन्होंने पहले किया था वो उसमें थोड़ा कमियां आई थी जी। पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगा कि बस ये खतरा तो टल गया, हम मार्केट में जा सकते हैं, हम मंदिर में जा सकते हैं, हम बर्थडे पार्टी मना सकते हैं जी, तो लोगों से मिलने जा सकते हैं, तो ऐसा लगा कि जैसा कि जो एक विद्यार्थी का परीक्षा खत्म हो जाता है, एग्जामिनेशन खत्म हो जाता है, बिल्कुल नतीजा तो निकलेगा कुछ महीने के बाद, फिर भी एकदम वो जलसा मनाने चला जाता है विद्यार्थी, स्कूल वाला या कॉलेज वाला जी, उस प्रकार का माहौल और मानसिक स्थिति बन गई थी इन शहरों में, तो एकदम ये एक तरीके से रिलैक्सेशन हो गया था उनके मन में कि खतरा टल गया, तो उससे वायरस को फिर एकदम तेजी से बढ़ने का मौका मिला। तो हमें यही देखना चाहिए कि हाँ हमारे जीवन में हम बिल्कुल घर में बंद होके बैठ नहीं सकते, कुछ कामकाज पे तो करना चाहिए और बाकी चीजों को भी करना चाहिए, मगर लापरवाही नहीं करना चाहिए जी। जो एकदम हर एक जलसे में जाना, मास्क को छोड़ देना, तो इस प्रकार के काम से हम वायरस को आमंत्रण दे रहे हैं कि भाई आ चलो आ जाओ हमारे यहाँ आ जाओ, तो इस प्रकार का लापरवाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार के लापरवाहियां हुई थी उन शहरों में, उसी का फल ये भुगतना पड़ रहा है उनको जी। बिल्कुल।